आज यानी 5 जनवरी को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया का जन्मदिन है। इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें खास अंदाज में शुभकामनाएं दी। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अरविंद केजरीवाल ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें वो और मनीष सिसोदिया साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट में अपनी पुरानी दोस्ती का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके बीच का भरोसा कभी कम नहीं हो सकता। अपनी पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा, ये दोस्ती बहुत पुरानी है, हमारा स्नेह और भरोसा बहुत मजबूत है। जनता के लिए काम करने का ये जुनून भी बहुत पुराना है। साजिश करने वाले लाख कोशिश कर लें, ये भरोसा, ये स्नेह और ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, बीजेपी ने झूठे केस में फंसाकर मनीष को पिछले 11 महीनों से जेल में रखा हुआ है, लेकिन मनीष इनके जुल्म के आगे डटकर खड़े हैं। इनकी तानाशाही के सामने न अब तक झुके हैं और न ही भविष्य में कभी झुकेंगे। तानाशाही के इस दौर में मनीष का साहस सबको प्रेरणा देता है। जन्मदिन मुबारक हो मनीष। बताते चले कि मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी माना जाता है। जब पहली बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाया गया। मनीष सिसोदिया पिछले साल फरवरी में कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है। हालांकि सीएम केजरीवाल ने उनके विभाग को नए मंत्रियों को सौंप दिया, लेकिन डिप्टी सीएम का पद अब भी आम आदमी पार्टी में खाली है।